मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक। ताजा मामला राजा बंगला निवासी 8 महीने की गर्भवती ज्योति देवी का है। सोमवार दोपहर 2 बजे परिजन उसे लेकर इस अस्पताल में पहुंचे, लेकिन देर रात तक चिकित्सक नदारद रहे। ऐसे में उसकी हालत बिगड़ी तो आनंद फानंद में वहां पहुंची चिकित्सक ने उसे रांची रेफर कर दिया। देखे खबरें हजारीबाग के संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। जैसा कि देख सकते हैं शेख भिखारी हॉस्पिटल में लापरवाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आइए एक पीड़ित परिवार के परिजन से जानते हैं कि क्या कुछ लापरवाही इनके साथ हुई है, क्या कुछ हुआ था, किनको आप लेकर आई थी? अपना बहू के लेके यहाँ आए। क्या नाम था? ज्योति देवी। यहाँ लेकर आए उस दोनों पति पत्नी, जांच करवा के यहीं सज गया शाम तक। बोला बच्चा भी ठीक है, पेशेंट भी ठीक है। घर में गए, खाना उना खाए, ठीक रही। अचानक से फरका जैसा हुआ, बार बार 1-2-3 बार हुआ। हम लोग तुरंत लाए, ज्यादा देरी नहीं किए, बगल में हम लोग घर तुरंत लाए। यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं आ रहा, बोलता बीपी ज्यादा बढ़ गया है, रांची ले जाए। कोई बात नहीं, बात हुआ, इतना सारा डॉक्टर है, इतना मशीन है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है सरकार। कितना बजे आप लेकर आई है? अभी 1 घंटा हो गया। अभी 1 घंटा पहले लेकर आई है। हाँ, अभी डॉक्टर द्वारा क्या कहा जा रहा है? बोले यहाँ मशीन नहीं है, वहाँ बढ़िया से इलाज होगा। ऐसा सीरियस केस है, जो बच्चा है, बच्चा चाहे माँ भी बच्चे के पे यहाँ उपाय नहीं है। यहाँ हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग राशि भी देखल नहीं, हम लोग कहाँ जाए? आप ही लोग कहाँ से आई है? यार राजा बंगला से। राजा बंगला से आई है? नहीं, हम ले जा रहे हैं। रुकिए मैडम, एक सेकंड तक पकाइए। नहीं, क्या नाम है इनका जिनको भर्ती कराई थी? ज्योति देवी। कहाँ से हैं आप लोग? राजा बंगला बगल से हैं। तो क्या हुआ था इनका? मैंने 8वां महीना चल रहा था, 8वां महीना चल रहा है। सदर से पूरा जांच पेपर करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए। बोला बच्चा ठीक है, पेशेंट भी ठीक है। घर गए, खाना खाया, अचानक से फड़का हुआ 1-2 बार। तुरते हो रहा, तुरंत हम लोग बगल गिरे, तुरंत लेकर आए सदर। यहाँ रखा ले नहीं, अभी आए डॉक्टर है, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। पेशेंट को देखा, बोले नहीं यहाँ नहीं होगा, रांची ले जाइए। कोई बात नहीं, बात हुआ, इतना डॉक्टर यहाँ कहा नहीं है, तो सुविधा सरकार कहा लिए दिया। हम लोग इलाज नहीं होगा, हम लोग गरीब आदमी रांची कहाँ से जाए? हम लोग कभी रांची नहीं गए, नहीं देखा, हम लोग कैसे जाए? पैसा भी नहीं है, कहाँ से जाए? पेशेंट को मरने देते हैं, हम भी मर जाते हैं। आग लगा हॉस्पिटल में, आग लगा ले तो बड़ा हॉस्पिटल बना ले। कहाँ ले? कहाँ मेडिकल कॉलेज? कहाँ ले मेडिकल कॉलेज? कहाँ ले तक खुला है? कहाँ ले बनाया सरकार? कहाँ पैसा लगा सरकार बनाया? यहाँ डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। इसके लिए रांची भेजा जा रहा है यहाँ से, मतलब क्या है व्यवस्था यहाँ जो आगे पेशेंट के लिए? ये मेडिकल कॉलेज है तो क्या व्यवस्था नहीं है यहाँ जो पर यहाँ से रांची भेजा जा रहा है बार बार? कुछ लोगों ने कहा था नर्सिंग होम ले जाओ, फलाना ले जाओ, वहाँ ले जाओ, क्यों ले जाए? ये मेडिकल कॉलेज है, क्यों है मेडिकल कॉलेज? गरीब कहाँ जाए? एक चीज और कहना चाहते हैं हम कि डॉक्टर का जो ड्यूटी है, ड्यूटी पे समय पर ही उपस्थित हुए, ताकि ये तत्कालीन व्यवस्था होना चाहिए। कोई महिला अगर आती है इस प्रेग्नेंट में, सीरियस आती है, डॉक्टर नहीं रहता है वहाँ, नर्स उसका ट्रीटमेंट करती है और नर्स रेफर करती है। कहाँ है इसका आदमी? मरीज को कब लेकर यहाँ पर लाया गया? मरीज यहाँ पर कब आई? 2 बजे आ जाइए। अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने देखा, नर्स आई, नर्स देखिए। आज डॉक्टर आया ही नहीं, डॉक्टर नहीं अवेलेबल। और उसके बाद अभी डॉक्टर आई है, डायरेक्ट रेफर है इसका। ये गंदा बात है, अच्छा बात नहीं है। पिछले 8 घंटा पेशेंट को, और 10 बज गए हैं अभी तक, 10:30 बज गया, 8 घंटा, 8.5 घंटा से डॉक्टर अभी तक अवेलेबल नहीं है। पेशेंट को चेक करने के लिए यहाँ पे सिर्फ नर्स आ रही है, नर्स चेक कर रही है, नर्स रांची रेफर कर रही है। डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे, आप लोग बताइए। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये किस चीज का मेडिकल कॉलेज है बताइए? नर्सों के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। कॉलेज बना हुआ ये, इस पेशेंट ऐसा स्थिति में इसको रांची रेफर कर दिया जा रहा है। हम अस्पताल से पूछना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ, इसका डिलीवरी नहीं हो सकता है?
इसका डिलीवरी क्यों नहीं हो सकता है? क्या व्यवस्था नहीं है? विभाग से पूछना था भी डॉक्टर है, रांची भी डॉक्टर है, मिलेगा। मैं ज्यादा पढ़ल डॉक्टर है, ये मरने लग पेशेंट है, ये पुलिस का बुरा डॉक्टर तो पूरा कहां चला रहा है? क्यों भेज रहा है? अपनी जान बचा पा रहा है, मां को नहीं बचा पा रहा इन लोग, हम लोग कुछ बोलते भी है तो बोलते हैं कि हम लोग प्लीज पेशेंट को ले जाइए। क्या कारण है कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है कि इस पेशेंट को रेफर कर रहे हैं आप? अभी हमारा इतना बड़ा अस्पताल बना है, क्यों है कि अभी हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे? क्या कारण क्या है? कारण इसका बहुत कुछ है, पहले पेशेंट का चाहिए ना, यहाँ से पूरा पेपर से पूरा रिपोर्ट सही है। बहरहाल इस मामले ने इस अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही एक बार फिर उजागर कर दी है। लोग यह जानना चाहते हैं कि संसाधन युक्त होने के बावजूद भी इस अस्पताल में ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट।